हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूँ मनप्रीत कौर। स्वागत है फिर से आपके फेवरेट चैनल रेनमेकर्स में। दोस्तों कोठियों की डिमांड इतनी आती है ना, आए भी क्यों ना, कौन नहीं चाहता कि यार छत भी अपनी हो, जमीन भी अपनी हो, अपना घर हो, हर कोई चाहता है। तो जी हाँ, उसके लिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंडिपेंडेंट हाउस कोठी 3 BHK, जो के बनी हुई है 98 स्क्वेयर यार्ड। जी हाँ, 98 गज में ये कोठी बनी हुई है। 22 बाय 40, 22 फिट का फ्रंट रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की। लोकेशन जो रहेगी वो रहेगी शिवालिक सिटी, सेक्टर 127। जी हाँ, इसकी जो कनेक्टिविटी है, ये पूरी टाउनशिप है ऑलरेडी। बहुत सारी कोठियाँ लोग यहाँ पे रह रहे हैं और डेवलप्ड सेक्टर है सारा। मार्केट आपको मिल जाएगी, पार्क, ग्रीनरी बहुत यहाँ पे अच्छे तरीके से सब कुछ मेंटेन्ड है। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ, लांड्रा रोड से भी है, खरड़ चंडीगढ़ रोड से भी है और एयरपोर्ट रोड 200 फीट रोड से भी नज़दीक है। तो ये वाला जो एरिया है ये मोहाली चंडीगढ़ से काफ़ी नज़दीक पड़ेगा। यहाँ पे अच्छी रोड्स वगैरह बन चुकी हैं सारी। कोठियाँ यहाँ पे हमारे पास 10 कोठियाँ बन रही हैं और सेम एलिवेशन रहेगा, फ्रंट एलिवेशन जो मैं आपको दिखाऊंगी। और जैसे कि फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो काफ़ी सारे जो हैं प्रॉपर्टीज़ के रेट भी इंक्रीज हो रहे हैं। आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, प्रॉपर्टीज़ के रेट डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये बेस्ट टाइम है अपने लिए प्रॉपर्टी बाय करने का। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको 3 BHK का ये घर दिखाती हूँ। बाकी सारी चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। आइए। तो दोस्तों मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है कि क्या लोकेशन रहेगी। कंस्ट्रक्शन चल रही है, सेम ऐसे देखिए लाइन में कोठियां बन रही हैं। इन्वेंट्री बड़ी कम है, सिर्फ 10 कोठियां हैं। तो सेम स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी। ये आपका देखिए फ्रंट जो एलिवेशन रहेगा ऐसे रहेगा, 2 रूम नीचे रहेंगे, एक आपका ऊपर रूम रहेगा। और 22 फिट का फ्रंट है, आपको प्रॉपर जो है पार्किंग स्पेस मिल रहा है, बरम अच्छी है। ये आपको एज इट इज मेन डोर मिलेगा, गाड़ी आपकी जो है अंदर पार्क हो जाएगी। तो ये स्पेस अच्छा है। स्टेयर केसेस बाहर से रहेंगी। इसका एक फायदा ये भी रहता है कि अगर आपने ऊपर वाला पोर्शन जो है आप रेंट आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी स्टेयर केसेस हमने बाहर से दी है, ताकि आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहे, ऊपर के ऊपर बंदा चले जा सकता है। तो ये आपका जो है पार्किंग स्पेस रहेगा। अब बात करते हैं मेन एंट्री की। अभी थोड़ी सी फिनिशिंग पेंडिंग है, मैंने सोचा जल्दी जल्दी, क्योंकि कोठियां तो ऐसे निकल जाती हैं यार। तो ये जो है ये आपकी मेन एंट्री रहेगी मैच डोर के साथ। आइए चलते हैं अंदर अभी, क्योंकि काफी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ प्रॉपरली। तो फिर मैंने सोचा कि क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, त्योहार आ रहे हैं, अभी नवरात्रा स्टार्ट हो रहे हैं, तो जल्दी से आपको घर दिखा दूं, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं अपने लिए घर इंडिपेंडेंट हाउस, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, अच्छी लोकेशन पे। तो ये देखिए, ये आपका ड्राइंग डाइनिंग एरिया आ जाएगा। सेमी फर्निश्ड घर मिलेगा आपको, जिसमें आपकी फॉल सीलिंग इंक्लूड रहेगी विद एलईडी लाइट्स। प्रोविजन सारी मिलेगी आपको, एसी की प्रोविजन मिलेगी। इस एक वॉल पे आपको वॉलपेपर मिलेगा, एलईडी पैनल मिलेगा, मॉड्यूलर किचन मिलेगा, वार्डरोब्स मिलेंगी, सैनिटरी फिटिंग्स कंप्लीट मिलेगी। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो ये आपका ड्राइंग डाइनिंग 11 बाय 12 का ड्राइंग डाइनिंग एरिया आ जाएगा। इसके साथ ही आपका जो है किचन आ जाएगा। अभी थोड़ा सा काम पेंडिंग है, किचन में थोड़ी फिटिंग पेंडिंग है। किचन आ जाएगा 7.5 बाय 10 का। तो ये अगर कुछ चेंजेस, क्योंकि अभी जैसे बाकी कोठियां बन रही हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कलर कॉम्बिनेशन, कुछ अपना काम वुड वर्क अपने अकॉर्डिंग आप करवा सकते हैं। तो किचन हमने देखा है, इसके साथ ही 2 रूम है, दोनों 10 बाय 12 के रूम साइज आ जाएंगे। इसमें आपकी जो है फॉल सीलिंग जैसे मैंने बताई वो इंक्लूड रहेगी। वार्डरोब्स आपकी फुली हाइट वार्डरोब्स आपको मिलेंगी, स्लाइडर वार्डरोब्स। स्पेस अच्छा है। तो इसके साथ ही आपका जो है अटैच वॉशरूम रहेगा। अभी जैसे लाइट की भी प्रॉपर प्रोविजन नहीं है, बन रहे हैं, काम पेंडिंग है। बैक साइड पे आपका वॉशिंग एरिया आ जाएगा, 5 बाय 7 का आपका वॉशरूम रहेगा। कोठियां दी तां सच्ची बहुत ज्यादा डिमांड आती है, कोठी चाहिए है, कोठी चाहिए है। कोठियां का रेट ही बहुत वध गया, क्योंकि प्लॉट का रेट, लैंड का जो रेट है वो डे बाय डे वधदा जा रहा है।
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਏ ਕਰ ਲਓ। ਤੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਯੇ ਆਪਕਾ ਸੈਕਿੰਡ ਰੂਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਯੇ ਵੀ ਆਪਕਾ 10x12 ਕਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਸਮੇਂ ਵੀ ਆਪਕੀ ਵਾਰਡਰੋਬਸ ਫਾਲ ਸੀਲਿੰਗ ਯੇ ਇਨਕਲੂਡ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਅਟੈਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਆ ਜਾਏਗਾ 5x7 ਕਾ। एज इट इज हम ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो वो सारा हम करवा के देंगे काम आपको। ये हमने नीचे का पोर्शन देखा है, अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। आइए अब ऊपर का पोर्शन देखते हैं। आइए एक रूम आपका ऊपर आ जाएगा, प्रॉपर धूप आएगी थोड़े घर च। देखो तुसी इस टाइम जेड़ा है 12 बजे का टाइम है, दोपहर का प्रॉपर धूप आ रही है क्योंकि गैप भी काफी ज्यादा है। जेड़े है सामने बन रही है कोठियां, गैप बड़ा वधिया है, कंजस्टेड नहीं है बिल्कुल भी। सामने पार्क आ जाएगा उत्थे जिथे कंस्ट्रक्शन चल रही है बोर लग्या होया, तो ये आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपके घर में लाइट नहीं आएगी या कंजेस्टर रहेगा, हवा बड़ी सोनी चल रही है। तो यहाँ पे देखिए ये भी हमने जो है किचन आपको दे दिया है, क्योंकि अगर कोई रेंट पे भी लेता है तो आपका जो है ऊपर किचन हमने आपको दे दिया। यहाँ पे ये आपका एरिया आ जाएगा डाइनिंग ड्राइंग, इसके साथ ही ये रूम आ जाएगा आपका 11x9 का, इसमें भी हम आपको फॉल सीलिंग दे रहे हैं, साथ में अटैच वॉशरूम दे रहे हैं। और पीछे देखिए आपका टेरेस का जो स्पेस है वो कितना बढ़िया है। आ देखो सर्दियों च धूप सेको है ना, गर्मियों च शाम नूं इत्थे बैठो, बहुत बहुत बढ़िया लोकेशन पे आपको ये घर मिल रहा है। अब इसका मैं प्राइस बताती हूँ, इसका जो प्राइस है ऑलमोस्ट हमारे पास रेडी टू मूव यूनिट्स है, 1 महीने में आपको पोजेशन मिल जाएगा। इसका जो प्राइस है कोठी का वो रहेगा 59.90, जी हाँ तकरीबन आपका 60 लाख हो गया। तो ये कोठी आपको 60 लाख में मिल रही है 59.90। तो जो अगर कुछ और क्वेरीज है, लोन फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी अगर आप लोन करवाना चाहते हैं, और कुछ आपने जानना है तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी। तब तक के लिए गुड बाय, सत श्री अकाल।